आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म आर्टिकल 15 के खिलाफ शहर में ब्राह्मण समाज उठ खड़ा हुआ है। समाज ने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि फिल्म को प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। अब ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है और समाज के विभिन्न संगठनों ने मिलकर रैली निकाली और फिल्म बैन करने की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि यदि फिल्म को सरकार बैन नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, फिल्म को किसी हालत में नहीं चलने दिया जाएगा। जैसा कि अभी भाई ब्रह्मदेव ने बताया, ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए और ये हिंदू भाइयों को एक दूसरे से लड़ाने के उद्देश्य से ये पिक्चर बनाई गई है और ये पिक्चर का हम विरोध करते हुए आज सीकर कलेक्टर कार्यालय में श्रीमान कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचे, ये हमने ऐसा उनसे निवेदन किया है। और ये पिक्चर 28 तारीख को किसी भी हालत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी यदि ये पिक्चर टाकीजो में रिलीज होती है तो हम इसका घोर विरोध करेंगे। और अभी हम सभी जातियों से, सभी भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, चाहे वो राजपूत भाई हों, जाट भाई हों, जिन पिक्चरों में भी किसी समुदाय को अपमानित किया जाता है, हम सब मिलकर के एक साथ खड़े होकर के और इस पिक्चर का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बैन किया जाए पूरे देश के अंदर। आर्टिकल 15 पिक्चर का ब्राह्मण समाज में घोर विरोध है, क्योंकि दूसरे समाजों से लड़ाने के लिए एक बड़ी साजिश है। इस पिक्चर के जो निदेशक हैं उन्होंने बड़े ही अभद्र पूर्वक तरीके से इस आर्टिकल 15 को फिल्मांकन किया गया है, जिसका एक ट्रेलर हमने देखा था। जी, ये दूसरे समाज की घटना थी, इसको ब्राह्मण समाज से जोड़ दिया गया है। परशुराम सेना युवा वाहिनी द्वारा नागौर जिले के अलावा भी अन्य जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर 28 तारीख को ये पिक्चर रिलीज होती है उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती है। राजस्थान के अलावा भी अन्य प्रदेशों में इस पिक्चर के खिलाफ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म का विरोध पहली बार हो रहा है। पद्मावती को लेकर राजस्थान सहित देश के कई जिलों में विरोध हिंसा तक पहुंच गई थी। देखना है प्रदेश और देश की सरकारें ब्राह्मण समाज की इस मांग पर क्या रुख अपनाती हैं।